तो 2024 में फ्यूचर क्या होने वाला है टेलीकॉम मार्केट का इंडिया में। तीन कंपनियां ज्यादा हाईलाइट होती हैं कंपटीशन में, जियो, एयरटेल एंड वीआई। बीएसएनएल भी है लेकिन अभी तो वो 4G भी रोल आउट नहीं किया अच्छे से। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन तीन कंपनियों पे, जियो, एयरटेल और वीआई के बारे में, तो उनके फ्यूचर गोल्स क्या होने वाले हैं, कैसी सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करेंगे और इनकी 5G कनेक्टिविटी कैसी होने वाली है। रिसेंटली जियो ने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने 2G और 3G सर्विसेज को बंद कर दे, उनका कोई यूज नहीं रह गया है, लोग 4G और 5G पे शिफ्ट हो जाएंगे अपने आप। और यही फ्यूचर है, 2G 3G को मेंटेन करने में केवल उनकी कॉस्ट जा रही है, कोई उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये वैलिड है? वैसे मुझे लगता है कि ये डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज में बहुत सारे लोग अभी फीचर स्मार्टफोन यूज करते हैं 2G 3G पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं किए हैं अभी तक, या फिर 4G 5G सर्विसेज पे नहीं गए हैं। वैसे जियो एट द एंड ऑफ द डे अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए ही सोचेगा, क्योंकि जियो के जो फोन आते हैं वो 4G और 5G पे होते हैं, तो लोग अगर शिफ्ट करेंगे तो उनके फोन ऑब्वियस सी बात है बिकने वाले हैं। इसलिए जियो की जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये मुझे वैलिड नहीं लगी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होने वाले हैं। वैसे अगर गवर्नमेंट बैन कर देती है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो लोग जाकर ऑटोमेटिकली शिफ्ट तो हो ही जाएंगे 4G 5G पे। लेकिन यस, एक बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑडियंस है 2G और 3G के पास। खैर, बात करते हैं कि सबसे बड़ा चेंजेस आपको क्या देखने को मिल सकता है जियो और एयरटेल में। तो सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है वो हम लोग के लिए थोड़ी बैड न्यूज हो सकती है, जो कि है 5G सर्विसेज जो है वो फ्री से लेकर सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे हो जाने वाली है। यानी कि जो आप दबा के 5G इंटरनेट फ्री में यूज करते हो, कुछ भी मूवी डाउनलोड करे जा रही है मजे ही मजे, वो मजा खत्म होने वाला है। लेकिन कब तक? डेफिनेटली ये साल के सेकेंड हाफ में ही जाके होने वाला है, साल के फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यानी कि आप मान के चलो कि जून या सितंबर वो महीना होने वाला है जब आपको 5G सर्विसेज पेड होते हुए दिख जाएंगी, और इनका जो प्राइस है वो 4G से 10 से 20 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन यस, उसी हिसाब से आपको डेटा और इंटरनेट मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने वाली है, तो मुझे लगता है कि 4G की तरह 5G में भी जियो काफी ज्यादा कमाल करने वाला है, क्योंकि सबसे पहले उसका जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा एरिया में है, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। डेफिनेटली एयरटेल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखता है अपने नेटवर्क्स को, हर जगह जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन यस, जियो हर मामले में ज्यादा सुटेबल होता हुआ दिख जाता है। और जो जियो है वो एयरटेल से कुछ ना कुछ परसेंट सस्ता ही रहने वाला है, क्योंकि जियो एक इंडियन ब्रांड है और एयरटेल को अपनी कॉस्ट निकालने के लिए थोड़े से महंगे रिचार्जेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली जियो पे ही शिफ्ट होते हैं, और उसकी सर्विसेज भी काफी अच्छी होती हैं। वेल, ये तो एरिया वाइज डिपेंड करता है, किसी के एरिया में जियो बहुत अच्छा चलता होगा, किसी के एरिया में एयरटेल बहुत अच्छा चलता होगा, और जहां दोनों नहीं चलते वहां वीआई चलता है, और जहां वीआई नहीं चलता है वहां पे बीएसएनएल चलता है। और 2024 की सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। यानी कि सैटेलाइट की मदद से आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेट्रो सिटीज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये उन लोकेशंस के लिए किया जाएगा जो कि रिमोट एरियाज हैं, जहां पे नेटवर्क टावर्स को स्टेबल नहीं किया जा सकता है, वहां पे सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मेट्रो सिटीज में बैठ के बहुत ही फास्ट इंटरनेट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे सैटेलाइट कनेक्टिविटी से, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। तो अगर टेलीकॉम कंपनी सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती भी है तो रिमोट एरियाज के लिए वैलिड होगा, मेट्रो सिटीज में नहीं आएगा, क्योंकि जरूरत भी नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा जाएगा। और अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं बीएसएनएल की, तो इस बार 4G रोल आउट हुआ देखने को मिल जाएगा इसका। डेफिनेटली प्लान्स इसके बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन यस, इस बार आपको 4G सर्विसेज देखने को मिलेंगी, शायद जब जियो एयरटेल 6G लॉन्च करेंगे तब ये 5G पे जाएगा। लेकिन यस, बीएसएनएल भी परफॉर्म अच्छा करने वाला है फ्यूचर में। और अगर हम बात करते हैं एयर फाइबर का, तो इस बार आपको एयर फाइबर का बूम काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। वैसे सही बताऊं तो एयर फाइबर मुझे जियो का ही ज्यादा सेंसेबल लगता है, क्योंकि एयरटेल का जो एयर फाइबर है उसमें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बस हॉटस्पॉट ले रखा है, चाहे वाईफाई से लो चाहे किसी के फोन से ले लो, बात एक ही है। और जब से 5G फ्री मिलना चालू हुआ है तब से एक नॉर्मल बंदे के लिए तो राउटर का काम ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि 5G आपको इतना इनफ नेटवर्क दे देता है। लेकिन ये 2024 में आपको एयर फाइबर का बूम बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग शिफ्ट होंगे, लेकिन रियलिटी तो यही है कि केबल वाले जो ब्रॉडबैंड्स होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होंगे, ज्यादा अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं रेदर देन वायरलेस। और अगर वहीं पे हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई के बारे में, तो वो भी अपने नेटवर्क्स को 5G वाले कनेक्टिविटी को पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश करेगा धीरे धीरे। डेफिनेटली टाइम लगने वाला है, जियो एयरटेल जहां पे बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे वहां पे वीआई थोड़ा नया रहने वाला है।
पर बहुत लोग के मन में ये डाउट है कि अब वीआई फ्यूचर में बंद हो सकता है, क्या उनके पास फंड्स की कमी है, कैपिटल नहीं है उनके पास? ऐसा नहीं है, वो बंद होने की नौबत तो नहीं आएगी उन कंपनीज की, लेकिन हाँ उन्हें टाइम लग सकता है 5G को पूरी तरीके से लाने में, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से प्रोवाइड करने में। तो अगर आप वीआई यूजर हैं और आपको लगता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो एक टाइम पे बंद हो जाएगा जल्दी, हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी बने रहने वाली है, इतने बुरे दिन भी नहीं आए अभी इसके। तो डेफिनेटली कुछ इस तरीके का फ्यूचर होने वाला है 2024 में, बहुत ही नई चीजें आपको इंट्रोड्यूस होते हुए दिख जाएंगी, लेकिन ये जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी वगैरह है वो आपको 2026-27 के पहले अच्छे से पूरी तरीके से फुल फ्लेज में आपको पोटेंशियल पे वर्क करते हुए नहीं देखेंगी। लेकिन हाँ ये एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे कि हाँ इंडिया में किसी कंपनी के पास अपना खुद का सैटेलाइट कनेक्टिविटी है जो रिमोट एरियाज में काफी अच्छी इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। और आज के लिए बस इतना था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। और टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर टू फॉलो सब्सक्राइब एक्सटेक।